हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज जैसा आप लोग देख रहे हैं, मैं हूँ टमटम के अंदर। ये जयपुर की बहुत ही मशहूर सवारी है, यहाँ बहुत ज़्यादा चलते हैं, मिनी मेट्रो बोलते हैं और बहुत सारे नाम होते हैं इसके। आज है संडे और मैं जा रही हूँ थोड़ा सा मार्केट शॉपिंग करने के लिए। मैंने सोचा चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं कि जयपुर की एक फेमस, बहुत ही ज़्यादा वाली फेमस मार्केट है, दाड़ा मार्केट। वो है रामगंज बाज़ार में। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वहाँ पे कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें मिलती हैं बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल रेट में। ये मेरी मम्मा मेरे साथ में है, मेरा साथ देने के लिए। मुझे डबिंग अब इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि मैं माइक ले जाना भूल गई थी। बहुत ज़्यादा रश होता है मार्केट में, इस वजह से मैंने ठीक नहीं समझा कि मैं वहाँ जाऊँ और मतलब ऐसे कुछ शूट वगैरह करूँ। तो मैंने सोचा पहले वीडियो बना लेते हैं, उसके बाद उसको डब कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप लोग मैनेज कर ही लोगे। सिटी से जाना था मुझे, बट वहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो इस वजह से मैं जा नहीं पाई। हम लोग हैं अभी जौहरी बाज़ार में, जौहरी बाज़ार वाले साइड से जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे भी बहुत ही प्यारे सामान मिलते हैं, लहंगा वगैरह ये सब, मतलब यहाँ काफ़ी अच्छी रेट में और बहुत अच्छे डिज़ाइन में मिलते हैं यहाँ पे। हम लोग बस अभी पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। जब तक आप देखें मार्केट, यहाँ पे मार्केट हर जगह बहुत ही ज़्यादा रश रहता है संडे के दिन। और हम लोग ये पहुँच गए हैं दाड़ा मार्केट। दाड़ा मार्केट में इतना ज़्यादा वाला रश होता है कि आप लोग एक जगह अगर खड़े हुए हैं तो दूसरे लोग आपको धक्का लगा लगा कर आपकी जगह तक पहुँचा देंगे। यहाँ बहुत ज़्यादा रश रहता है और ये जो हैं छोटी छोटी सवारियाँ, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा तंग कर रखा है यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। हम लोग पहुँच गए हैं, अब चलिए चलते हैं अंदर और आप लोगों को दिखाते हैं मार्केट। मार्केट बाहर से भी स्टार्ट है पूरी, ये यहाँ बोलते हैं इन्हें बरामदा, तो ये यहाँ पे भी लोगों ने अपनी छोटी छोटी दुकानें लगा रखी हैं हर चीज़ की, चाहे वो ज्वेलरी हो, क्लोथिंग हो, स्लीपर्स हो, मेकअप हो, हर एक एक चीज़ की शॉप जो है उन्होंने यहाँ बाहर भी लगा रखी है, अंदर से अंदर भी है बहुत सारी शॉप्स। तो यहीं से ये दुकानें स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ कपड़ा है, रेडीमेड है, सब चीज़ यहाँ पर आपका अवेलेबल है और बहुत ही अच्छे प्राइस पे और बहुत ही क्वालिटी वाइज चीज़ें यहाँ पे। बच्चों के कपड़े भी हैं, बड़ों के, हर एक चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। हम लोग यहाँ आए थे थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए। यहाँ हमें हमारे चाचा और चाची मिल गए, बहुत क्यूट से। वो लोग भी शॉपिंग करने आए थे संडे के दिन। यहाँ कोई ना कोई टकरा ही जाता है आपको क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस मार्केट है और लेडीज़ तो ओहो, जब तक दड़े पे नहीं आएंगे जब तक उन्हें चैन नहीं मिलेगा, वो वाला हाल है जयपुर के लोगों का, सॉरी लेडीज़ का ओनली। अब हमें सबसे पहले लेने हैं बैंगल्स, तो हम चलेंगे चूड़ी की दुकान पे। बहुत ही अच्छी चूड़ियाँ मिलती हैं वहाँ पे, हम लोग वहीं से हमेशा ही वहीं से लेते हैं ज़्यादातर चूड़ियाँ। वहाँ पे चूड़े का सेट है, दुल्हन वाले चूड़े जो होते हैं, या आप लोग मैचिंग का अगर कुछ बनवाना है आपको सूट वाइज तो आपको वो भी बना के दे देंगे। हर एक चीज़ की प्राइस अलग है। ये 50 रुपीज़ में, आप देखिए कितने प्यारे प्यारे हैवी ईयरिंग्स हैं, ओनली 50 रुपीज़ में। हर जगह यहाँ कभी किसी के यहाँ सेल चल रही होती है, कभी कुछ होता है, मतलब हर एक चीज़ बहुत प्यारी मिलती है। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं चूड़ी वाली की दुकान पे और अभी हम लोग एंटर हो रहे हैं। आप लोग यहाँ पे कलेक्शन देखना चूड़ियों का, बहुत ही बेस्ट, मुझे तो बहुत बेस्ट लगता है। आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोगों को कैसा लगता है ये। यहाँ पे प्लेन चूड़ी भी मिलती है, वेलवेट वाली भी। ये छोटा सेल्समैन है, क्वालिटी कैसी है इसकी? ओरिजिनल है, बेस्ट है। नहीं नहीं साइड बना के दे दे इसका। साइज क्या है? कलर देखो, ये है। हां कलर कौन सा वाले कलर है? 3 2 8 2 8 हां 2 8 तो जो दिन लेके गई थी ना, समझ दो करो 2 8 का साइड ले लो। थोड़ा ले लो, ये काले छोड़ना। ये वाला छोटा है, थोड़ा बड़ा दो। बड़ा ये यार। चूड़ी का काम हो गया है डन और आप लोग जैसा देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज्यादा वाला रश है। मैं तो ये चाहती हूँ कि बाइक्स वाले जो हैं इनको यहाँ पे बिल्कुल आना मना ही हो जाए कि यहाँ आए नहीं, क्योंकि इन लोगों ने और ज्यादा भीड़ कर रखी है। एक तो चलने की जगह होती नहीं है, साथ में ये लोग और आ जाते हैं। आप देखिए मार्केट के अंदर कि कितना अच्छी अच्छी क्वालिटी है, कितनी अच्छी अच्छी सामान है। यहाँ पे हैवी सूट्स बहुत ज़्यादा होते हैं,
बुरखे हैवी सूट, और ये मेकअप देखे हैं कि स्ट्रीट पे मेकअप इतना अच्छा मिल रहा है। बेल पल्ली की दुकान है यहाँ पे, हम लोग लेस वगैरह लगाते हैं वो हैं, रेडीमेड्स हैं, डेली वेयर के अंदर कुर्ते वगैरह पहनते हैं वो हैं, बैग वगैरह हैं, बहुत अच्छे हैं सब चीज़ें। आप लोग भी अगर बाय करना चाहते हैं ये सब चीज़ सो तो दड़ा मार्केट बेस्ट है, जिन लोगों को पता है। और जो लोग अगर मंगाना चाहते हैं ये चीज़ तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताएं, मैं आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प कर सकती हूँ। सो मैंने यहाँ से ख़रीदे दो आईलाइनर, ये दोनों ही स्पार्कल वाले हैं और 100-100 रुपीज़ में हैं। और उसके बाद हम लोग आए हैं यहाँ पर जीन्स वगैरह लेने, क्योंकि किसी को गिफ्ट करना है तो उसके लिए बच्चों की जीन्स वगैरह हैं यहाँ पे। और ये सभी 500 की रेंज में है, 500-550, इससे ज़्यादा की कोई भी नहीं है, सब इसी रेंज के अंदर हैं ये, और वो भी 10-12 साल के बच्चे की हैं। और ये बाकी शर्ट हैं और टी शर्ट्स वगैरह दिखा रहे हैं। सो हम लोग ने बस यहाँ से ये ही लिया है, और यहाँ पर गर्ल्स का भी है, फ्रॉक वगैरह है। यहाँ पर ये बैग्स वगैरह मिल रहे हैं, ये 150 के अंदर है, आप कोई भी बैग लो यहाँ पर, 150 की उसकी प्राइस है। सभी तरह के बैग हैं यहाँ पे, ये बेल वगैरह हैं, सूट पे आप लोग लगाते हैं आजकल, बहुत अच्छी चल रही है, हर तरह की बेल वगैरह है यहाँ पे। बस ये कि इस मार्केट के अंदर घूमना पड़ता है। सो आप लोगों ने देख लिया होगा आज हमारे यहाँ जयपुर का दड़ा मार्केट, जो मतलब बहुत ज़्यादा वाला फेमस है। सो वहाँ बहुत बहुत अच्छे अच्छे रेट में बहुत अच्छी अच्छी सामान मिलते हैं। सो मैं वहाँ पे वहाँ से लेके आई हूँ कुछ सूट, ये देखिए, ये है 2-2 मीटर इसमें कपड़ा है, 2 से 2.25 मीटर कपड़ा है इसके अंदर, ये पैंट का है, और ये दिखाओ, ये इसका कुर्ते का कपड़ा है, ये है 240 रुपये का पूरा सूट। एक ये लेके आई हूँ, एक ये है, ये इसके अंदर इसका कुर्ते का कपड़ा है, ये नीचे बॉटम है, इसमें भी इतना ही कपड़ा है, और ये भी 240 रुपये में है। ये वाला, ये दोनों अलग लिए थे। सो ये है 70 रुपये मीटर, सो ये लिया है मैंने 2 मीटर, और ये भी 2 मीटर है, मेरी पैंट का कपड़ा है, ये 60 रुपये मीटर है प्लेन कपड़ा। सो ये 2-3 सूट तो इसके लिए हैं, और ऑर्गेनाइजर के शूज़ वगैरह हैं, और हमने लिया है सबसे मेन चीज़, हमने लिया है बुरखे का कपड़ा। अभी आप लोगों ने जो देखा होगा, मैंने अबाया लिया था पिछली वीडियो के अंदर, और ये मैंने यहाँ से लिया है कपड़ा, ये है 180 रुपये मीटर, 180 रुपये मीटर है ये बुरखे का कपड़ा मेरा। और अब मैं इसको टेलर के यहाँ दूंगी, इसको स्टिच कराएंगे, उसके बाद देखते हैं कि कैसा लुक आता है स्टिच के हुए बुरखे का। रेडीमेड जैसा लगता है ये, तो थोड़ा सा अलग लगता है, जैसे भी होगा मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को करते हैं यही एंड, अपना ध्यान रखें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो मर्जी आए वो करें, वो हमें याद रखना। अल्लाह हाफिज़।